शीना बोरा मर्डर केस में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस आज आरोपियों को लेकर जांच के लिए रायगढ़ भी गई थी। इस बीच खबर यह है कि पूछताछ में इंद्राणी मुखर्जी ने कहा है कि वो अपनी बेटी से नफरत जरूर करती थी, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की है। इंद्राणी ने शीना की हत्या का आरोप अपने पूर्व पति संजीव खन्ना पर लगाया है। वहीं संजीव खन्ना ने शीना की हत्या का आरोप इंद्राणी पर लगाया है। शीना मर्डर केस के तीनों आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय को जब साथ बिठाकर पुलिस ने पूछताछ की तो सूत्रों के मुताबिक शीना की मां ने दावा किया कि वो अपनी बेटी से नफरत जरूर करती थी, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की है। इंद्राणी मुखर्जी ने पुलिस को बताया कि शीना उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इंद्राणी के मुताबिक शीना उसे धमकी देती थी कि वो पीटर मुखर्जी के सामने इंद्राणी की जिंदगी के बंद पन्नों को खोल देगी ताकि पीटर से उसकी शादी टूट जाए। इंद्राणी ने यह भी दावा किया कि उसने शीना के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे, लेकिन शीना ने वो पैसे वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। इंद्राणी ने माना कि पैसे की बात को लेकर भी दोनों के बीच झगड़ा होता था, लेकिन इंद्राणी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसने शीना का मर्डर किया है। इंद्राणी ने शीना के मर्डर के लिए संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ संजीव खन्ना ने पूछताछ में कहा कि उसे शीना मर्डर केस में इंद्राणी ने घसीटा था, उसने पैसे के लालच में इंद्राणी का साथ दिया। संजीव खन्ना का कहना है कि जब वो गाड़ी में बैठा तब तक शीना की हत्या हो चुकी थी और उसने केवल शीना की लाश को ठिकाने लगाने में इंद्राणी की मदद की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इंद्राणी मुखर्जी और शीना के बीच कई बार तेज बहस भी हुई। पूछताछ के बाद पुलिस संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को लेकर रायगढ़ भी गई। पेंट खोपली रोड के इसी गागोदे गांव के इस पास के परिसर में शीना बोरा के अवशेष या उनका मृतदेह जो है वो पाया गया था। यही वो जगह है जहां पर सूटकेस के अंदर शीना बोरा के मृतदेह की या उनके शव की जो हड्डियां थी वो हड्डियां पाई गई थी। और 23 मई 2012 को गणेश नाम के एक व्यक्ति ने इस जगह पर, जब वो आम तोड़ने आया था, तब उसने यहाँ पर एक सूटकेस में एक महिला का शव देखा जिसकी सिर्फ हड्डियां बची हुई थी, कुछ बाल उसे दिख रहे थे। उसने पुलिस को बताया और पुलिस ने आकर यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू की। यहाँ पहले शव को अपने हिरासत में लिया। और इस बीच अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने खबर दी है कि शीना मर्डर केस की जांच रुकवाने के लिए एक नेता ने रायगढ़ पुलिस पर दबाव डाला था। अखबार के मुताबिक शीना ने अपने दोस्तों को बताया था कि शायद उसे धीमा जहर दिया जा रहा है।